हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज सीए फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हो गया है और आज हम लोग बात करेंगे कि सर एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आगे के लिए, कि सर फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि सर क्या करें, एग्जाम खत्म हो गया है, क्या करना चाहिए हमको, क्या हमको सीए इंटर के लिए पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए या फिर अभी हमको रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए या फिर हम अपना दोबारा से सीए फाउंडेशन पढ़ना शुरू कर दें। इस चीज के लिए सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि सर मेनली तीन कैटेगरीज में स्टूडेंट होते हैं। जो पहले टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिसको हम टाइप वन स्टूडेंट लिखे हैं, वो वैसे स्टूडेंट होते हैं जो 100% श्योर होते हैं कि वो पास कर जाएंगे, उनको फेल किया ही नहीं जा सकता है, वो 100% श्योर है। और एक सेकेंड टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो डाउटफुल है, जिनके ऊपर प्रोविजन चल रहा है, जैसे हम लोग अकाउंट्स में बनाते हैं प्रोविजन कि सर शक है, ऐसे स्टूडेंट को हम बोलते हैं टाइप टू स्टूडेंट। हम बात करेंगे क्यों उसको हम ऐसा बोलते हैं। और एक टाइप थ्री स्टूडेंट होता है जो 100% श्योर है कि वो फेल है। दिक्कत इनके साथ भी नहीं है, दिक्कत इनके साथ भी कुछ नहीं है। इनके साथ दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम देके आएंगे और उनको 100% पता है वो फेल है। इसी में से कुछ लोग रैंकर भी होंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना सीए इंटर का पढ़ाई शुरू कर देंगे क्योंकि उनका नवंबर 2022 में सीए इंटर का एग्जाम होगा। इसके ऊपर तो अलग से बात भी किया जा सकता है कि क्या करना चाहिए, इनको ग्रुप वन देना चाहिए, ग्रुप टू देना चाहिए, दोनों ग्रुप देना चाहिए, यह अलग विषय है। लेकिन जो टाइप वन स्टूडेंट है वो पक्का अपना सीए इंटर का पढ़ाई शुरू कर देंगे। जो टाइप थ्री स्टूडेंट है उनके साथ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो कंफर्म पता है कि हम तो फेल है, तो वो अपना क्या करना शुरू कर देंगे, सीए फाउंडेशन का पढ़ाई कंटिन्यू शुरू कर देंगे क्योंकि उनके पास भी अब 4-5 ही महीना है, फिर मई में एग्जाम आ जाएगा और मई में नहीं आएगा तो जून में आ जाएगा, उसमें क्या लगा है, 4-5 मंथ हाथ में रहता है इनके पास भी। दिक्कत है ये टाइप टू स्टूडेंट के साथ, क्योंकि सर इनको है डाउट, किस चीज का डाउट, कि सर इनका कोई एक पेपर दो पेपर खराब चला गया, और खराब भी मतलब ऐसा खराब नहीं चला गया कि कंफर्म पता है कि हम फेल हो जाएंगे, खराब का सेंस कि सर लिख के तो आए हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि टिक मार के आ गए। होता क्या है टिक मार्क एग्जाम में, कि जब हम टिक मार के आते हैं तो कई बार हमको लगता है कि हो सकता है कि हम पास कर जाए, कि हम लोग मन में सोच लेते हैं कि सर पॉसिबिलिटी तो है ही, हो सकता है सही, मेरा टिक सही हो गया, हम पास कर जाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जो 100% श्योर है वो परसेंटेज वाइज कितने होंगे, सिर्फ 15% स्टूडेंट। जो 100% श्योर है कि हम फेल ही करेंगे, वैसे स्टूडेंट भी कितने होंगे, सिर्फ 15%। लेकिन जिनको डाउट है वैसे लोग सबसे ज्यादा है। आप पाओगे कि सर डाउट वाले स्टूडेंट कितने सारे होते हैं, मेजोरिटी, ये 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से जो इस कैटेगरी में अपने आप को पा रहे होंगे कि हां सर मेरा कोई एक पेपर या दो पेपर ऐसा चला गया है जिसको हम खराब भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हम फेल ही कर जाएंगे, और हम अच्छा भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हम पास कर जाएंगे, तो वैसे स्टूडेंट के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको सीए इंटर का पढ़ाई करना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीए इंटर के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप सीए फाउंडेशन पूरा भूल जाएंगे। और रिजल्ट अगर मान लीजिए नेगेटिव आ गया तो फिर जो 2 महीना आप वेस्ट किए थे इंटर के ऊपर, फिर आपको फाउंडेशन दोबारा किताब खोलना पड़ेगा, फिर से फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा इनके लिए सजेशन रहेगा जिनको डाउट है कि वो अपना फाउंडेशन पढ़ना शुरू करे कि सर, क्योंकि अगर किसी भी पेपर में फेल कर जाएंगे तो चारों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, तो बेहतर रहेगा कि हम फिर से फाउंडेशन को पढ़ना शुरू कर दें, जो भी इस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं। सेकेंडली सर, क्या आज ही से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? हम बोले आज तो एग्जाम खत्म हुआ, आज तो आप रिलैक्स कीजिएगा, लेकिन हम बोलेंगे जितना जल्दी आप वापस से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मोमेंटम बना रहेगा। ज्यादा गैप ले लेने से फिर से वही फीलिंग आने लगेगा, सर अभी तो एग्जाम 4 महीना दूर है, 1 महीना बाकी रहेगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, क्या लगा हुआ है, फिर एक मोटिवेशनल वाला वीडियो देख लेंगे, मोटिवेशन आ जाएगा और फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। मेनली यही होता भी आज के समय में,
कि लोग मोटिवेशन का वीडियो देखते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं अपने आप को, और फिर वो क्या करते हैं कि एक महीना पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जो दो चार दिन ले लीजिए अपना रिलैक्स होने में, लेकिन फिर स्टार्ट कर दीजिए कि सर कुछ कुछ देर तो पढ़े, कम से कम 4 आवर भी डेली पढ़ना शुरू करे, ताकि वो मोमेंटम बना रहे पढ़ाई करने का, वो मिस ना हो जाए। तो ये सजेशन है उसके लिए जो लोग प्रोविजन के अंदर आते हैं, जो मेजोरिटी स्टूडेंट उसके अंदर होता ही है। इस बार का एग्जाम का बात करें तो हम देखें अकाउंट्स का पेपर काफी इजी था, और हम जब पूछे थे स्टूडेंट लोग से तो मेजोरिटी स्टूडेंट यही बोल रहा था, लगभग 90% स्टूडेंट यही बोल रहा था कि पेपर ठीक था, पेपर ठीक गया भी। और इस बार का एग्जाम में हम फिर से क्या पाएं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ के साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारा स्टूडेंट को हम देखें कि वो मैथ्स को लेकर के उतना श्योर नहीं है, उसको मतलब उतना कंफर्म नहीं है। मेजोरिटी स्टूडेंट लगभग 60-70% स्टूडेंट श्योर नहीं है अपने मैथ के एग्जाम को लेके, जिस कारण से हो सकता है उनको डर भी लग रहा है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, ये तो पक्का है, ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में भी आ रहे हैं तो अपना पढ़ाई करना जारी रखिए फाउंडेशन के लिए। रिजल्ट में अगर पास हो गए बहुत अच्छा बात, लेकिन अगर नहीं हुए तो भी कम से कम रहेगा कि हाँ फाउंडेशन हम पढ़ रहे थे तो मेरा फाउंडेशन चल ही रहा है, अगले बार देंगे तो श्योरिटी से पास कर जाएंगे। तो ये था मेरा आफ्टर एग्जाम स्ट्रेटजी। आई होप आप इस स्ट्रेटजी को जिनको अच्छा लगेगा जरूर फॉलो करिएगा, आपका इसमें बहुत ही फायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।